यस माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो जिसमें हम जानेंगे प्रबंध के कार्य। कहने का मतलब है कि प्रबंध का काम कौन करता है, एक मैनेजर है ना। अब बात आती है ये मैनेजर आया कहाँ से, तो देखो जैसे किसी व्यक्ति की एक बहुत बड़ी कंपनी है ठीक है, और इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट है जैसे 1, 2, 3, 4। तो अब ये क्या करता है, सभी डिपार्टमेंट में तो काम नहीं कर सकता, सभी की ध्यान नहीं रख सकता है ठीक है। अगर ये इन सब की ध्यान रखेगा तो अपने बिजनेस को लेकर डिसीजन कैसे लेगा, उनके लिए प्लानिंग कैसे करेगा। तो ये क्या करता है, ऐसी कंडीशन में एक मैनेजर को नियुक्त कर देता है इन सब डिपार्टमेंट का ध्यान रखने के लिए ठीक है। तो अब अपन जानेंगे कि एक मैनेजर मतलब एक जो प्रबंधक होता है वो मैनेजमेंट का काम कैसे करता है, मतलब प्रबंध का काम कैसे करता है। अब इस व्यक्ति ने सारी जिम्मेदारी इस मैनेजर को दे दी है, तो मैनेजर कैसे काम कर रहा है हमें यही देखना है। तो देखो प्रबंध के कार्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, पहला प्रमुख कार्य और दूसरा सहायक कार्य। प्रमुख कार्य का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट, इन कामों से ही प्रबंध की प्रबंध के सारे काम शुरू होते हैं और हम हमारे बिजनेस में सफलता प्राप्त करते हैं। और सहायक कार्य का मतलब होता है कि बैक में रहकर कुछ काम करना जिससे हमारी सफलता के चांसेस और अधिक हो। तो जैसे प्रमुख कार्य तो हम कर ही रहे, सहायक कार्य भी हम कुछ करते हैं जिससे हम सफलता जल्दी से प्राप्त कर ले। तो देखो प्रमुख कार्य कितने भागों में बांटे गए हैं, 5। कौन कौन से, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन एंड नियंत्रण। और सहायक कार्य बैक में रहकर हम कौन से काम करते हैं, संप्रेषण, निर्णयन, नवप्रवर्तन, पूर्वानुमान और शोध कार्य। अब हम इनकी डिटेल से इसके मीनिंग को जानेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से पहले अपन प्रमुख कार्य पर डिस्कस करेंगे ठीक है। प्रमुख कार्य में पहला हो जाता है हमारा नियोजन। अब नियोजन का मीनिंग क्या है, देखो प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन प्रबंध का सर्वप्रथम कार्य माना जाता है। ऑब्जेक्टिव भी आता है, प्रबंध का प्रमुख कार्य कौन सा है, प्रथम प्रमुख कार्य कौन सा है, तो नियोजन। और ऐसे भी पूछता है कि नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है, तो प्रथम कार्य है। तो क्या बोला, प्रबंध प्रक्रिया में एक मैनेजर है जब किसी से काम लेगा तो सबसे पहले वो क्या काम लेगा उसकी प्लानिंग करता है, वो काम कैसे लेगा उसकी प्लानिंग करता है ठीक है। तो प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन प्रबंध का सर्वप्रथम मतलब पहला कार्य है। अतः नियोजन से आशय, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसे करना है का पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। आ गई ना बात, नियोजन मतलब प्लानिंग करना। आप प्लानिंग और रूल्स को एक मत समझना, प्लानिंग और रूल्स दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। रूल्स का मतलब होता है कि एक बार हमने कोई रूल्स बना दिया तो उसे फॉलो करना कंपलसरी हो गया, हमें उसके बेस पर चलना। जैसे अपन अपना डेली रूटीन का टाइम टेबल फिक्स कर लेते हैं कि हाँ मेरा ये रूल है, मुझे इस बेस पर चलना है, तो वो रूल्स हो जाते हैं। जबकि प्लानिंग का मतलब होता है कि काम को इस तरीके से करना जिससे हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो कहने का मतलब है एक प्रबंधक क्या करता है, नियोजन में इस बात का धारण करता है कि कौन सा कार्य करना है, ये डिसाइड कर लिया, कब करना है, कौन उसे करेगा, किस तरीके से करेगा, इस सब की प्लानिंग करना नियोजन कहलाता है। जैसे आप स्टूडेंट्स लाइफ में हो ठीक है, तो आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं करते हो 10th के बाद कि हाँ मुझे CA करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उस बेस पे आप सब्जेक्ट लेते हो, फिर सब्जेक्ट लेने के बाद आप स्कूल ज्वाइन करते हो, फिर स्कूल के बाद आप कोचिंग सर्विस भी लेते हो, फिर घर पे सेल्फ स्टडी भी करते हो। तो ये सब क्या है, प्लानिंग। तो कुल मिला के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना का नाम क्या है, नियोजन। तो उसी प्रकार से हर एक बिजनेस किसी ना किसी लक्ष्य को लेकर ही किया जाता है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाए उसकी प्लानिंग करना नियोजन कहलाता है। आया समझ में, किसी भी काम की योजना बनाना कि काम कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, इन सब का निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। सेकंड देखो, अब हमने क्या कर लिया, प्लानिंग तो कर ली ठीक है, अब हमें संगठन की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे एक कंपनी खोलनी है, मुझे कंपनी में ये काम करना है, मुझे कंपनी में इतने लोगों की जरूरत होगी, तो इतने लोगों की जरूरत होगी, तो अब संगठन में वो सारे लोग आ जाते हैं। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर,
प्रबंधक द्वारा नियोजन कर लेने के बाद इसे कार्य रूप में परिणित करना होता है, मतलब उसकी प्लानिंग को कार्य में बदलना संगठन है और यह कार्य संगठन के माध्यम से किया जाता है। अतः संगठन एक ढांचा है जिसके द्वारा माल, मशीन, मानव एवं अन्य साधनों का अनुकूलतम आकार या मात्रा में प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब है, एक मैनेजर ने, एक प्रबंधक ने प्लानिंग कर ली है कि उसे कौन सा काम करना है, किससे करवाना है, कैसे करवाना है। तो उसके बाद दूसरी स्टेप आती है संगठन की, जिसमें जो कुछ निर्धारित किया है उन सब बातों को कार्य रूप में बदलना। तो संगठन का मीनिंग हो गया है कि काम करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना, माल, मशीन, मानव सब इकट्ठा करना। पैसा भी तो चाहिए, कच्चा माल भी तो चाहिए, मशीनें भी तो चाहिए, तो इन सबको इकट्ठा करना और इनको सही तरीके से उपयोग में लाना संगठन कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि निर्धारित की गई योजना को एक साकार रूप देने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। अतः संगठन में व्यक्तियों को इकट्ठा किया जाता है और उनमें कार्यों को बांट दिया जाता है। अब अगला देखो इसमें क्या लिखा है, नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग, मतलब कि नियुक्त करना। क्योंकि हर एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति हर एक कार्य बहुत ही अच्छे से कर सकता है। तो नियुक्ति के अंदर वही होता है कि प्लानिंग में हम सोच लेते हैं इतने लोगों की जरूरत है, संगठन में वो सारे लोग आ जाते हैं, फिर हम उनकी नियुक्ति करते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा काम देना है। तो देखो क्या लिखा है, किसी भी उपक्रम में संगठन का निर्धारण हो जाने के बाद उस संगठन में निर्मित विभिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। अतः व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर कार्य सौंपना ही नियुक्ति कहलाता है, है ना। जैसे कि एग्जांपल से समझो, जैसे किसी व्यक्ति का यहाँ पर एक स्कूल है और स्कूल में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइंस मैथ्स पढ़ाई जाती है, यहाँ पे आर्ट्स और यहाँ पे कॉमर्स। अब क्या करता है वो कॉमर्स का टीचर होने के कारण कॉमर्स के सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, लेकिन उसे साइंस मैथ्स के लिए और आर्ट्स के लिए टीचर चाहिएंगे। तो क्या करेगा, वो उन टीचर को लेकर आएगा, है ना। फिर उन टीचर में से बहुत सारे टीचर आते हैं, उसमें से सही टीचर की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, ताकि वो व्यक्ति काम अच्छे से कर सके, क्योंकि संगठन में तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि इस लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। ये टीचर कॉमर्स का होने के बावजूद ये साइंस भी पढ़ा सकता है, पढ़कर पढ़ा सकता है, लेकिन ये बच्चों को उतना नॉलेज नहीं दे पाएगा जितना नॉलेज इस फील्ड के टीचर को है, है ना। तो ऐसी कंडीशन में इसे अपना काम अच्छे से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना पड़ेगा जो उसी कार्य के लिए बना है या जिसका वही कार्य है। तो आ रहा है समझ में, नियुक्ति का मतलब होता है कि काम करने के लिए संगठन में से योग्य व्यक्ति की उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति करना। जैसे कॉमर्स के टीचर को साइंस में से आर्ट्स पढ़ाने का नहीं कहना, इसके लिए दूसरे टीचर की नियुक्ति करना। एंड अगला देखो इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स, निर्देशन। अब क्या हुआ, आपने किसी व्यक्ति को काम करने के लिए रख भी लिया, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि उनको ट्रेनिंग भी तो देना पड़ती है समय समय पर। जैसे आप सुनते हो कि किसी की जॉब लग गई है, ठीक है, जॉब लग गई, तो आप नहीं बोलते हो कि जॉब तो लग गई, लेकिन वो 6 महीने की या 2 महीने की ट्रेनिंग पे है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है उन्हें गाइड करना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि आपको कैसे काम करना है। हालांकि वो उनकी एबिलिटी के बेस पे एग्जाम फाइट करते और सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन तरीका इजी सिखाना। हो सकता है किसी काम को करने की उन व्यक्तियों को लॉन्ग मेथड आती हो और उनको गाइड जब करते हैं, है ना, तब उनको कोई शॉर्ट मेथड बता दी जाए। तो इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, एक उपक्रम में लक्ष्यों के अनुरूप संगठन संरचना और आवश्यक नियुक्तियां करने के बाद आवश्यकता होती है कर्मचारियों को दिशा निर्देश प्रदान करने की, ताकि वे लक्ष्य की ओर बढ़ सके। अगर आपके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति आपका लक्ष्य नहीं जानता है तो वो फिर कैसे काम करेगा। तो आपको समय समय पर अपने कर्मचारी को अपने लक्ष्यों के बारे में बताना चाहिए कि हम सबने किस उद्देश्य से किसी कंपनी की या किसी संस्थान की स्थापना की है, और उसमें मेरा जो दायित्व है वही आपका है। यहाँ पर मैं को ना लेकर हम के माध्यम से काम किया जाए तो फिर क्या होगा, काम अच्छे से होगा। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें देखो,
नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब होता है फ्रेंड्स के काम में सुधार लाना, ना कि काम में बाधा डालना। जैसे आज अपने पेरेंट्स अपन को कहीं जाने से रोकते हैं तो अपन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें वापस से वो सब याद आता है कि अच्छा हुआ हमारे पेरेंट्स ने हमें उस टाइम पर रोक लिया, वरना आज कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती या हम किसी गलत रास्ते पर निकल जाते या किसी गलत फ्रेंड्स की हम संगति में पड़ जाते। तो यहाँ नियंत्रण का वही मीनिंग है कि कर्मचारी जो है उनके कामों को देखकर उनके ऊपर रोक टोक करना नहीं होता है, बल्कि उनको काम करने का और अच्छा तरीका सिखाकर उन्हें काम करने के लिए एक्सपर्ट परफेक्ट बनाना, जिससे वह काम को और अच्छे से करे और उस कर्मचारी के व्यक्तित्व का विकास भी हो। तो देखो क्या लिखा है नियंत्रण में कि नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य माना जाता है। ऑब्जेक्टिव आता भी है ये कि नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य, अंतिम। प्रबंध का अंतिम कार्य कौन सा है, नियंत्रण। तो याद रखना यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि संगठन के विभिन्न भागों, अनुभागों तथा प्रबंध के कार्य निष्पादन के परिणाम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं है। ठीक है, तो नियंत्रण का मतलब क्या हुआ, जैसे एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने सबसे पहले प्लानिंग की, फिर उसको साकार रूप देने के लिए वो व्यक्तियों का समूह उसने इकट्ठा किया, माल मशीन सब इकट्ठा किया, फिर उसमें से उस संगठन में से उसने सही व्यक्ति की नियुक्ति की, फिर उसने काम करने के लिए उन व्यक्तियों को गाइड भी किया। तो लास्ट में तो वो देखेगा ना नियंत्रण में कि मैंने इतने सारे जो काम किए हैं उन काम से मेरा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरा लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर से मैं इन सब कार्य बदली में क्या करूं, इन कार्यों में क्या करूं, बदलाव करूं, जैसे संगठन दूसरा लेकर आऊं, या फिर जो मैं व्यक्ति मेरे पास है उन्हें सही तरीके से और अच्छे से काम सिखाऊं। तो आ रहा है समझ में। तो यहां पर देखो नियोजन आगे की ओर देखता है, मतलब आगे बढ़ता है, तो नियंत्रण क्या करता है, पीछे की ओर देखता है। ये पीछे क्यों जा रहा है, नियोजन क्या है, आगे देखता है, तो नियंत्रण पीछे देखता है। कि नियंत्रण पीछे इसलिए देखता है कि रास्ते में आने वाली कठिनाई बाधाओं को दूर करता है और नियोजन को धक्का लगाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो आपको ये प्रमुख कार्य समझ में आ गए होंगे कि प्रमुख कार्य का मतलब होता है कि एक प्रबंधक जब कार्य की शुरुआत करता है तो सबसे पहले वो योजना बना लेता है कि काम कब करना, कैसे करना, किसे करना, फिर अपने कार्य को एक साकार रूप देगा तो वो संगठन लाता है। साकार रूप कैसे देगा, मानव मशीन माल सबकी व्यवस्था करेगा, फिर नियुक्ति करेगा कि जो संगठन आया है मेरे पास काम करने के लिए उसमें से सही व्यक्ति को मैं सही काम दूं, फिर सभी व्यक्ति को सही काम मिल गए फिर मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूं, उनको मैं काम सिखाऊं कि उन्हें कैसे काम करना है, एंड लास्ट में मैं नियंत्रण के माध्यम से देखूं कि मैंने जो कुछ डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसका रीजन क्या है, उस रीजन पर वर्क करके वापस से अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ना। ठीक है, अब देखेंगे अपन सहायक कार्य। सहायक कार्य का मतलब होता है बेक में रहकर कुछ काम करना। ठीक है फ्रेंड, तो देखो यहाँ पे कुछ सहायक कार्य लिखे हैं। जैसे पहला दिया है इसमें सहायक कार्य के अंदर संप्रेषण या संदेश वाहन। अब संप्रेषण का मीनिंग तो आप सबको मालूम है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत या होने वाले विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। और इसमें दोनों पक्षों का बोलना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति बोलेगा और सामने वाला कोई अभिव्यक्ति मतलब कोई रिएक्ट नहीं करेगा तो वो संप्रेषण नहीं होगा, वो तो फिर भाषण हो जाता है। जैसे नेता लोग भाषण देते तो हम क्या करते, सुनने का काम ही तो करते हैं। लेकिन संप्रेषण में कहने का मीनिंग यह है कि जब एक बात किसी दूसरे को कही जा रही है तो दूसरा उसकी बात का उत्तर दे, तो वो होता है संप्रेषण। अब आपको मालूम है बिजनेस में एम्प्लॉय और ओनर के बीच कम्युनिकेशन तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब उनके बीच संप्रेषण होगा तभी तो एक दूसरे की परेशानियां पता चलेगी, है ना। तो देखो संप्रेषण का मीनिंग क्या बताया गया है यहां पर, कि साधारण बोलचाल की भाषा में संप्रेषण से आशय विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करना है।
जैसे मालिक को कोई आइडिया आया तो वो कर्मचारी से पूछे, कर्मचारी को काम को और अच्छे से करने का कोई आइडिया आया तो वो अपने मालिक को बताए। अतः एक प्रबंधक को अपनी योजना सफल बनाना है तो बनाई गई योजनाओं और उनके विचार शीघ्रता के साथ कर्मचारियों तक संप्रेषित होना चाहिए और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया व सुझाव भी प्रबंधक तक पहुँचते रहना चाहिए, क्योंकि एक काम करवाने वाले से ज़्यादा एक काम करने वाला जानता है। तो जब भी आप किसी काम का डिसाइड करते हो और जिससे आप काम करवाना चाहते हो तो आपको उसकी एडवाइस भी लेना चाहिए ताकि वो और भी अच्छा तरीका आपको बता सके। कुल मिला के हमारे हेनरी फ्योल F.W. टेलर है उसमें बोला भी गया है पहल का सिद्धांत कि कर्मचारी और मालिक के बीच ऐसा संबंध होना चाहिए जिससे कर्मचारी अपनी मन की बात पहल मतलब अपनी एडवाइस वो उन्हें दे सके। तो आ गया संप्रेषण का मतलब या संदेश वाहन का मतलब कि संस्था में जो कुछ काम हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो ऑनर है और यहाँ पे जो एम्प्लॉई है इन दोनों के बीच समय समय पर संप्रेषण होना चाहिए। इन्हें अपनी योजना शीघ्रता तक कर्मचारी तक पहुँचाना चाहिए और कर्मचारी को उस योजना से संबंधित सभी जानकारी शीघ्रता से अपने मालिक के पास पहुँचाई जानी चाहिए जिससे संस्था में सारा काम अच्छे से चलता रहे। अब सेकंड देखो इसमें क्या लिखा है, निर्णयन। अब निर्णय मतलब डिसीजन लेना, एक प्रबंधक को डिसीजन भी तो लेना होता है, तो देखो कैसे लेता है वो। प्रबंधक को किसी समस्या का निवारण करते समय और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मतलब इसका मतलब होता है कि फिर से वो मिस्टेक ना हो जाए के लिए किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले विभिन्न वैकल्पिक समाधानों को ढूंढना पड़ता है। उसके बाद इन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है जो कि निर्णयन कहलाता है। वो क्या बोल रहा है कि प्रबंधक को एक निर्णय लेने का काम भी करना पड़ता है क्योंकि उसका निर्णय बाद के सारे कामों को डिसाइड करता है। तो वो ऐसा निर्णय ले जिस निर्णय से वही समस्या दूसरी बार उत्पन्न न हो जिस समस्या के लिए निर्णय लिया गया है। तो उसके लिए वो विभिन्न विकल्पों की खोज करता है। जैसे मानो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब इस स्टूडेंट को क्या करना है, मेरिट लेके आनी है, एमपी रैंक लेके आनी है, इसको एमपी रैंक लेके आनी है। अब इसके लिए क्या करता है, ये सोचता है कि या मैं घर पे पढ़ूँ या मैं कोचिंग जाऊँ या फिर मैं स्कूल जाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे इसके माइंड में क्या आते हैं, ऑप्शन आते हैं मतलब विकल्प आते हैं। अब उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का वो चयन कर लेता है, ठीक है। तो यही इसके अंदर होता है कि निर्णय में एक प्रबंधक को भविष्य को देखते हुए और भविष्य में वो मिस्टेक फिर से न हो इस बात के लिए निर्णय लेने के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ विकल्पों की खोज करना होती है, फिर उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करके वह निर्णय लेता है। तो एक प्रबंधक कैसे निर्णय ले रहा है, आया समझ में, समस्या को देखकर उसके बहुत सारे ऑप्शनों का वो पता लगाता है, फिर सही ऑप्शन का वो चुनाव करता है, ठीक है। अब लास्ट अगला देखो इसमें, नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन का मतलब होता है कुछ नया करना, और जहाँ तक आप कुछ नया नहीं करोगे तब तक मजा आएगा ही नहीं आपको, क्योंकि कुछ नया ही क्या है, व्यवसाय की सफलता का मूल मंत्र है। देखो क्या लिखा है, प्रबंध को एक गतिशील प्रक्रिया माना गया है। गतिशील और एक निरंतरता दोनों में अंतर होता है। निरंतरता का मतलब होता है कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद दूसरे लक्ष्य की योजना बनाना निरंतरता कहलाता है या सतत प्रक्रिया कहलाता है, जबकि गतिशीलता का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जब आप जाते हो तो आपके प्रबंध के कामों में जो परिवर्तन आता है उसे गतिशीलता कहते हैं। जैसे इंदौर में रहकर आप जो काम कर रहे हो वही काम आपको दिल्ली में जाके करना है तो आपके मैनेजमेंट में परिवर्तन आ जाएगा ना। तो क्या है, प्रबंध को एक गतिशील प्रक्रिया माना गया है जिसमें आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। आज आपका बिजनेस छोटे लेवल पे, कल बड़े लेवल पे हो गया, आज आप एक लेवल पे हो, कल दूसरे लेवल पे पहुंच गए, फिर तीसरे लेवल पे पहुंच गए। तो गतिशील मतलब गति बड़ी है और उसमें परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रबंधक को प्रबंध जगत में व्यापार के हितों को ध्यान में रखते हुए नवीन तकनीकों को लागू करते रहना चाहिए। आ रहा है समझ में, नव प्रवर्तन व्यापार की सफलता का मूल मंत्र है। जहाँ तक आप कुछ नया नहीं करोगे तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज बनाने वाले लाखों व्यक्ति होते हैं। अपन यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान की कोई शॉप है, ठीक है, और एक शॉप ये किसकी है,
मोहन की और एक शॉप यहाँ पे मान लेते हैं अपन सोहन की है, सोहन और मोहन दोनों की सेम शॉप है। अब एक कस्टमर होता है, ठीक है, वो सोचता है मैं यहाँ पे जाऊँगा या यहाँ पे जाऊँ, मेरे को जो एक फ्रिज चाहिए, एक रेफ्रिजरेटर चाहिए, वो कितने का आ रहा है, 10,000 रुपये का, तो इसकी शॉप से लूँगा तो भी 10,000 रुपये लेगा और इसकी शॉप से लूँगा तो भी 10,000 रुपये लूँगा। अब ये मोहन सोचता है कि यार ये कस्टमर मेरी शॉप पर आए तो इसके लिए इसे क्या नया करना पड़ेगा, या तो फिर अगर ये कस्टमर कैश पेमेंट करता है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, या फिर उपभोक्ता सा मतलब ऋण पर वस्तु दे दे, 10,000 की जगह वो बोले कि तुम पहले मुझे 5,000 दे दो, बाकी के 5,000 किश्तों में दे दो, या गारंटी वारंटी की सेवा दे दो, ठीक है, ऐसे अनेक काम उसे करने होंगे तब जाके वो व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आ रहा है समझ में कि नव प्रवर्तन, नवाचार, कुछ नया करना, इनोवेशन, कुछ नया करना व्यापार की सफलता का मूल मंत्र होता है। जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे तब तक आप व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके जैसा काम करने वाले लाखों व्यक्ति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो क्या लिखा है, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मतलब पहले का अनुमान आज ही लगा लेना, कल क्या होगा उसकी प्लानिंग भी आज कर लेना पूर्वानुमान कहलाता है। क्या लिखा है, प्रबंधक द्वारा भविष्य की क्रियाओं का अनुमान लगाना और उस अनुमान के आधार पर योजना बनाना पूर्वानुमान कहलाता है। कल की प्लानिंग आज ही कर लेना पूर्वानुमान। तो ये तो सिंपल है कि कल आप क्या काम करोगे उसकी आज योजना बना लो। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है, कि हुआ क्या, जैसे कि आप क्या करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो। अब हुआ ऐसा कि आपको क्या करना है, 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है। अब 2 दिन के लिए आपको बाहर जाना है, ये तो पहले ही फिक्स हो गया कि मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है और आज का मेरे पास दिन है, तो आप क्या करोगे, 2 दिन का काम आज कैसे मैनेज करोगे। क्या आप 2 दिन का काम आज भी फिनिश करोगे, 2 टाइम 2 पार्टीशन में जॉब करके, सुबह भी करके शाम को भी करके, या फिर आप 1 दिन और एक्स्ट्रा रुकोगे। तो उन सब की प्लानिंग करना ही क्या कहलाता है, पूर्वानुमान, कि कल की जो बात है, कल का जो काम है उसकी भी आज प्लानिंग करके काम कर लेना क्या कहलाता है, पूर्वानुमान। एंड लास्ट है इसमें शोध कार्य। शोध कार्य का मतलब होता है फ्रेंड कि समय समय पर जांच पड़ताल करते रहना, कि शोध कार्य क्या बोल रहा है, ये प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि शोध कार्य से प्राप्त परिणामों के आधार पर ही तो नव प्रवर्तन किया जाता है। आप जो काम कर रहे हो उस काम की आपको याद होनी चाहिए कि हमारे अदर और कौन से व्यक्ति इस प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं या इस काम को करने में लगे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप जिस चीज को बना रहे हो वही चीज को दूसरी कंपनी मार्केट में लेकर आ जाती है, और जब तक आपकी कंपनी में वो मटेरियल तैयार होता है तब तक उसकी फैशन आउट हो जाती है, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रॉब्लम बिजनेस में क्रिएट ना हो इसके लिए आप बाजार में उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि से परिचित रहो और शोध कार्य करते रहो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार उपरोक्त कार्यों के अलावा प्रबंध के अन्य कार्य भी है, जैसे रिपोर्टिंग करना, प्रतिनिधित्व करना, प्रशासन करना आदि। निष्कर्ष रूप से हमने क्या बोला कि प्रमुख कार्य तो है ही सही, बैक में रहकर और कुछ भी काम करने, इनके अधर भी काम है, रिपोर्टिंग करना मतलब समय समय पर फीडबैक देना कि एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, हमें और क्या नया करना चाहिए, प्रतिनिधित्व करना मतलब एक दूसरे का क्या करना, उनको गाइड करना, नए नए अधिकारी का नियुक्त करना, नए जैसे प्रबंध के 3 स्तर होते हैं तो किस स्तर पर किस प्रबंधक को नियुक्त करना, ऐसे सारे काम करते रहना, ठीक है। तो ये हमने जान लिया प्रबंध क्या होता है और उसके कार्य क्या होते हैं, प्रमुख कार्य क्या है, सहायक कार्य कैसे हैं। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।